हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसी अनोखी दुनिया के सफर में जहां इंसान तो क्या, उनके पूर्वज यानी कि बंदर भी पैदा नहीं हुए थे और तब दुनिया पर राज था डायनासोर्स का। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, मगर यह जरूरी नहीं कि उस वक्त रहने वाले हर एनिमल डायनासोर ही हो। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाट इज अ डायनासोर, डायनासोर किसे कहते हैं। तो डायनासोर होने के लिए किसी भी एनिमल के पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो है एक बैकबोन का होना, बैकबोन जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यानी कि डायनासोर्स भी हमारी तरह एक वर्टिब्रेट एनिमल है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है 4 पैर, 1, 2, 3 और 4। यानी कि डायनासोर्स टेट्रापॉड एनिमल्स है, फिर से बिल्कुल हमारी तरह। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंडे से रिलेटेड है। इनके अंडे के बाहर का जो शेल है वो हार्ड होना चाहिए। अंडे के अंदर एम्ब्रायो यानी बच्चे को घेर कर एमनियन नाम का एक पर्दा यानी मेम्ब्रेन होना चाहिए। इस एमनियन का काम है अंडे के अंदर मॉइस्चर को प्रिजर्व करके रखना ताकि अंडा जमीन पर सूख ना जाए। मतलब इसी वजह से डायनासोर्स जमीन पर अंडे दे सकते थे। एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक और सैलामेंडर, इनके अंडों में एमनियन नहीं होता, इसीलिए ये एम्फीबियंस जमीन पर अंडे नहीं दे सकते। चौथा कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें नजर डालना होगा डायनासोर की खोपड़ी यानी स्कल पर। डायनासोर की स्कल में जो आई सॉकेट होता है यानी वो जगह जहां पर उसकी आई बॉल बैठा रहा होगा, उस आई सॉकेट के पीछे कुछ ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम टेम्पोरल फेनेस्ट्रा कहते हैं। अब खासकर डायनासोर्स और पंछियों में 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्रा होता है, एक अपर टेम्पोरल फेनेस्ट्रा और एक लोअर टेम्पोरल फेनेस्ट्रा। ऐसे 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्रा वाले जीवों को हम डायसिड्स कहते हैं। डायनासोर और पंछिया के अलावा स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स और कुछ एक्सटिंक्ट रिप्टाइल्स भी डायसिड्स है। हम इंसान और बाकी सारे मैमल्स की खोपड़ी में सिर्फ 1 टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है, इसीलिए इंसानों को और सारे मैमल्स को साइनेप्सिड्स कहा जाता है। डायनासोर होने के लिए 5वां कैरेक्टरिस्टिक भी उनके स्कल से ही रिलेटेड है। डायनासोर के स्कल में आई सॉकेट के सामने भी एक और ओपनिंग है। इस ओपनिंग को एंटोरबाइटल फेनेस्ट्रा कहा जाता है। अब इन फेनेस्ट्रा के बारे में मैंने बताया है, इन फेनेस्ट्रा का असली फंक्शन ये है कि इनके अंदर से मसल्स पास होकर स्कल से अटैच होता था।
अब डायनासोर होने के लिए जो 6 नंबर कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनका पॉस्चर, यानी कि खड़ा होने का तरीका। अब अगर हम क्रोकोडाइल्स को देखें तो इनके पैर इनके बॉडी के साइड में होते हैं, तो कुछ हद तक इन्हें अपने सीने पर रेंग कर चलना पड़ता है, पर डायनासोर्स के पैर इनके शरीर के नीचे होता है, तो ये सीधे खड़ा होकर चल सकते हैं, इनका पोस्चर इरेक्ट होता है इंसानों की तरह। आप शायद समझ ही गए होंगे कि आज के पंछियों के भी ऐसा ही सिस्टम है। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है डायनासोर्स की हिप बोन, जिसे एसिटेबुलम कहते हैं। अब डायनासोर्स में एसिटेबुलम ओपन होता है, जो किसी भी और जानवर में नहीं होता, हाँ पंछियों को छोड़कर। तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एनिमल में हो तो उनको आंखें बंद करके आप डायनासोर बुला सकते हैं। अगर इन कैरेक्टरिस्टिक से विचार किया जाए तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम डायनासोर समझते हैं पर वो डायनासोर नहीं है। जैसे कि ये, इस एनिमल का नाम है डायमेट्रोडॉन। बहुत सारे लोग इसको डायनासोर ही समझते हैं, मगर असली में ये डायनासोर बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि इसका पोस्चर डायनासोर से बिल्कुल मैच नहीं होता, और दूसरी बात यह कि इस जनाब के खोपड़ी में सिर्फ एक टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है, मतलब ये हमारे मैमल्स की तरह साइनैप्सिड है, डायनासोर्स की तरह डायनैप्सिड्स नहीं। डायनासोर्स के समय के पानी में रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले कुछ जीवों को भी डायनासोर समझा जाता है, मगर असलियत कुछ और ही है। मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मुताबिक डायनासोर्स के समय में रहने वाले उनके जैसे जीवों को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, टेस्टुडिनस, लेपिडोसॉरोमोर्फा और आर्कोसॉरोमोर्फा। अब टेस्टुडिनस में सिर्फ कछुए शामिल है, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब आते हैं लेपिडोसॉरोमोर्फा में। लेपिडोसॉरोमोर्फा में शामिल है स्नेक्स, लिजर्ड्स और पानी में रहने वाले कुछ विलुप्त रेप्टाइल्स, जैसे कि मोजासोरस, इक्तियोसोरस, प्लेजियोसोरस, ये सारे। इनको डायनासोर जरूर समझा जाता है, बहुत लोग इनको डायनासोर ही समझते हैं, मगर असली में ये डायनासोर्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके स्कल में एंटोरबाइटल फेनेस्ट्रा नहीं है। तो जुरासिक वर्ल्ड मूवी के इस सीन में डायरेक्टर ने हमें कोई भी डायनासोर नहीं दिखाया। बात करें आर्कोसॉरोमोर्फा की, तो इनको 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, क्रूरोटार्सी और ऑर्निथोडेरा। क्रूरोटार्सी में सारे क्रोकोडिलियंस यानी कि मगरमच्छ और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। ये तो डायनासोर बिल्कुल भी नहीं है, तो इनके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। आप देखा जाए ऑर्निथोडेरा को, तो ऑर्निथोडेरा को फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, टेरोसोरिया और डायनोसोरिया। टेरोसोरिया में वो जीव शामिल है जो डायनासोर के करीब रिश्तेदार थे, उनके समय में ही रहते थे और आसमान में उड़ते थे, इनको हम टेरोसॉर्स कहते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि टेरोडैक्टिल और टेरानोडॉन फिल्मों में और साइंस फिक्शन के किताबों में बहुत ही मशहूर है, पर ये भी डायनासोर्स नहीं है, क्योंकि इनके एसिटेबुलम में
डायनासोर्स की तरह ओपनिंग नहीं है। और अब बाकी रह गया सिर्फ डायनोसोरिया। डायनोसोरिया में सिर्फ और सिर्फ डायनोसॉर्स ही शामिल है, मतलब आज की पंछिया और 6 करोड़ साल पहले विलुप्त हुए डायनोसॉर्स। डायनोसोरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे है तो अभी जाकर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो, और हाँ वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। आगे वाले वीडियोस में इन शानदार और रहस्यमय जीवों के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में 22 करोड़ साल पहले।